थे, 16 जोन, हाँ 16 जोन निकाले थे, हाँ वही 16 जोन ना, 16। ओके, जब 16 जोन हमने निकाले तो क्या हुआ, डिग्री कंसीडर करें क्या अपन? नहीं, 22.5 डिग्री का सर एक एक बनाए थे करके। कहां से बनाए डिग्री, कहां लिए, घर की डिग्री लिए क्या हमने? नहीं लिया, नहीं लिया ना, फिर डिग्री कहां से लिया हमने? एक 5 मिनट लॉजिक लगाना, लॉजिक वाला खेल है ये मकान है, ये है अमित का मकान, ओके, और अमित का मकान में डोर यहां पर आ रहा है, डोर यहां पर आ रहा है, और सपोज एग्जांपल यहां पर उसका किचन है, किसका, अमित का, और अमित का रूम का मम्मी का रूम है, और ये हॉल है, और ये टॉयलेट है, सपोज एग्जांपल बताइए, ऐसा हॉल है। तो अब सबसे पहले ये मकान जो ट्रू नॉर्थ है, सपोज नॉर्थ इधर है, और मकान का डिग्री कौन सी है पता कैसे चलेगा, कौन सी डिग्री में है, रिफरेंस टू मेन डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में कौन से मकान पे डिग्री पे मकान बना हुआ है, ये कैसे जाने, ये जानने के लिए आपको ये आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे नहीं प्लॉट का सेंटर देखना पड़ेगा, प्लॉट का, अरे रुको लेके वहां रुको, अरे इतनी जल्दी भाग रहे क्यों, जल्दी जिसको मालूम है तो रुकिए रुकिए, सबसे पहले आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, सिंपल हमने 16 जोन डाल दिए, किस हिसाब से डाले भाई, जो 16 जोन डाले हो कल किस हिसाब से डाला है, सेंटर के हिसाब से सर, अरे भाई डिग्री नहीं भाई, आप डिग्री लोगे ना पहले तो डिग्री के हिसाब से डालोगे, विदाउट डिग्री नहीं डालोगे, विदाउट डिग्री नहीं डालोगे, क्योंकि डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट है, सपोज एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसका गलत दवाई दी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा, माँ को भी तकलीफ हो जाएगी, तो दोनों को भी डेंजर हो जाएगा, तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम के डॉक्टर के बिना कंसल्ट के बिना दवाई नहीं लेती आज के हिसाब से, ठीक है खाना खाना अलग है, पर मेडिकल भी इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एक लेडी को गलत दवाई दे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इतना इम्पैक्ट घर पे पड़ेगा, तो जब तक आप डिग्री नहीं लेते हो तब तक आप क्या करोगे, क्या करोगे, घर को वास्तु नहीं कर सकते हो, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, इसको नॉर्थ मान लेते थे, इसको ऑपोजिट को साउथ मानते, इसको नॉर्थ मान लेते थे और इसको साउथ मान लेते थे, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट मान लेके वास्तु कर देते थे, क्योंकि जितने भी फ्लैट बनते थे वो लगभग 0 डिग्री पे बनते थे, एग्जैक्ट नॉर्थ पे बनते थे, ओके आज प्लॉटिंग में क्या हो गया, प्लॉटिंग में क्या हो गया, ऐसा प्लॉटिंग निकल रहा है, टेढ़ा निकल रहा है प्लॉटिंग, सपोज प्लॉटिंग ऐसा निकल रहा है, ओके ऐसे प्लॉटिंग निकल रहा है, और एक प्लॉट यहां पर है, एक प्लॉट यहां पर है, और एक प्लॉट ऐसे समझो, तो ये क्या हो गया अभी, ये तो नॉर्थ इधर आया ना, नॉर्थ तो यहां पर है, और डोर कहां पर है, यहां पर है, उनका डोर कहां पर है, थोड़ा टिल्ट इसे बोलते हैं, थोड़ा टिल्ट बोलते हैं, थोड़ा झुकाव हो गया है, एक्चुअली नॉर्थ इधर है, और इसका क्या हो जाए, ये एग्जैक्ट नॉर्थ रहेगा क्या उस टाइम, ये एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉर्थ यहां पर है, और यहां से यहां तक डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं रहेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो सर्कल है यहां पर है, पुराने जमाने में एग्जैक्ट करते थे नॉर्थ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, आज क्या हुआ, प्लॉटिंग में जो गड़बड़ी है, सबसे पहले प्लॉटिंग की गड़बड़ी, क्यों प्लॉटिंग की गड़बड़ी है, ये प्लॉट है, अब ये रोड है, ओके ये रोड है, और यहां पर क्या हुआ, ये रोड आ गया, ओके अब यहां पर एक एक हाउसेस हो गए, मतलब प्लॉट है यहां,
ये सीधी लकीरें हैं। ओके अब ये देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक वाला है, यहाँ पर नेक्स्ट एडल है। अब ये जो मैं डिग्री लूंगा, यहाँ पर डिग्री कितनी आ जाएगी, यदि मैंने बराबर किया है यहाँ पर नॉट जीरो आएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, नॉट जीरो आएगी डिग्री फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्या है, सपोज मैंने ऐसा नहीं करके प्लॉटिंग ऐसे कर दी, क्या किया, प्लॉटिंग ऐसे कर दी, क्रॉस कर दिया, ऐसे कर दी, फिर कुछ कुछ प्लॉटिंग ऐसे कर दी, कुछ प्लॉटिंग ऐसे कर दी, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ नहीं मिलेगा उनको। ओके फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यदि जमीन टेढ़ी है, सपोज एग्जांपल के लिए और एक एग्जांपल देता हूं, ये अर्थ है, सपोज राउंड है यार, इतना सा हिस्सा मैंने निकाल लिया अर्थ का, अब क्या हुआ, नॉर्थ तो यहां था ना, तो ये नॉर्थ अभी यहां पर कितनी डिग्री आएगी, सपोज मैंने यहां पर सेंटर निकाला क्रॉस करके, ओके अब यहां पर कितनी डिग्री आएगी, अब देखो ये ऐसा ले लो डिग्री, या ऐसा ले लो, या फिर ऐसे ले लो, या ऐसे ले लो, ये डिग्री कितनी आएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ की डिग्री जो है वो एक्चुअल नॉर्थ है, यहाँ पर जो डिग्री है वो अलग है। ओके अब ये जो मैं आशा करूंगा आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, ओके तो ये जो जो ये जो डिग्री है यहाँ की डिग्री में और यहाँ की डिग्री में अलग आ जाएगा। हाँ जी अब ये देखो कि यहाँ पर ये डिग्री थी पहले, मगर अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री लेनी है अपने को, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है। यहाँ पर यदि प्लॉट बनता तो 90 डिग्री में बनता तो हम यहाँ की डिग्री 0 डिग्री ले लेते थे, मगर नहीं कर सकते इसे, क्योंकि आपका डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ के साथ आप मैच करोगे पहला, या दूसरा ये है कि आपकी जहां पर मेन डोर है वहां पर आप डिग्री लोगे फर्स्ट पर, सपोज यहाँ आपका मेन डोर इस साइड है तो इस डायरेक्शन में लोगे, आपका मेन डोर इस साइड है तो इस डायरेक्शन में लोगे, ये इस साइड तो इस साइड डायरेक्शन में लोगे, और यहाँ पर है समझो मेन डोर तो इस डायरेक्शन में लोगे, जिस मेन डोर है उस डायरेक्शन में आप डिग्री लोगे प्लस। सेकंड पर सब दो तीन डोर है, इंडिपेंडेंट हाउस है या फ्लैट है, दो तीन डोर से कोई भी एक डोर को कंसिडर मानोगे रिफरेंस पॉइंट फॉर दैट डोर। ओके फाइन। अब ये देखो सर डिग्री अंदर से लेना है ना, अरे एक मिनट, तो डिग्री जो है वो आपकी सेंटर से लोगे टूवर्ड्स अ मेन डोर वॉल, सपोज मेन डोर इस साइड है, इस दीवार को लोगे आप, यहां से सेंटर को ठहर कर डिग्री यहां से परपेंडिकुलर लोगे, और यहां पर है तो यहां पर लोगे, यहां पर है तो यहां लोगे, यहां पर है तो यहां पर लोगे, जिस डायरेक्शन में या जिस साइड वॉल है, मेन डोर जहां पर है उसके वॉल के रेफरेंस पॉइंट से आप डिग्री लोगे। ओके पहले कंपास खोलिए, अभी जिसने भी अभी कंपास निकाला है, प्रैक्टिकली बहुत इजी है पर थ्योरेटिकली थोड़ा और लगता है। हाँ कंपास खोलिए पहले, परिता जी आपने डाउनलोड कर लिया कंपास, ये जो ग्रुप में आया है गुरुजी वही बोल रहे ना कंपास का, हाँ चकमय वास्तु था ना, चकमय वास्तु डॉट, हाँ आप प्ले स्टोर में जाइए, सब लोग यदि नेट डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर में जाकर आप चकमय वास्तु ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप है वो। अच्छा ठीक, नाउ अब घर का सेंटर कैसे पता करेगा, अंदाजा से पता करो सेंटर कहाँ है आपके घर का, सेंटर कहाँ पर है आपके अपने घर का, ये देखो कि सेंटर कहाँ पर है
और मेन डोर किस साइड है, उस साइड पर आप सपोज मेन डोर, सपोज एग्जांपल ये है मेरा मेन डोर, सपोज एग्जांपल ये मेरा डोर है, ये मेन डोर है, तो मैं सेंटर में जाकर मेन डोर के साइड मैं कंपास ऑन करूंगा, कैसे ऑन करूंगा ये इजी है मगर एक्यूरेसी नहीं होती इसकी, सीखने के लिए ठीक है मगर प्रैक्टिकली यूज करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मिलिट्री कंपास खरीदना होगा। ओके okay, ये अभी मैं ऐप डाउनलोड, मैं इसी जहां पर सपोज कहीं जा रहे हैं डिग्री चाहिए तो आज मैं यूज कर लेता हूँ, बट एग्जैक्टली वास्तु के लिए काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें गलती हुई तो आदमी मर जाएगा, तो इसीलिए आप लोग मिलिट्री कंपास को मंगा लीजिए ऑनलाइन से। सपोज अभी ये खुल गया ना, तो आप क्या करोगे, जो ये जो हेड वाला है जो सुनते हैं जहां पर स्पीकर है उस साइड क्या करोगे, मेन डोर के वॉल के साइड, वॉल में तो ये डोर है ना, उसके पैरल ऐसा रखो, सीधा रखो, एग्जाम्पल के लिए ये है। अब सपोज यहां पर अब सेंटर में गए, अंदाजे घर घर के सेंटर में चले गए, अब किस साइड डोर है, इस साइड डोर है, एग्जाम्पल डोर यहां पर है, ओके डोर यहां पर है, तो आप क्या करोगे, सीधा जो कंपास है इस वाल को पॉइंट आउट करोगे, ना कि इसको नहीं करना है, इसे नहीं करना है, हमको इसको करना है, ओके okay, इसको सेंटर से लेकर यहां पर लोगे, समझा, तो यहां पर कितनी डिग्री आ रही है वो देखो, ओके okay? चलिए जाइए और वहां ये देखो और एक कंपास मतलब ओके okay, अभी जाके देखिए ये पहले कहां पर आपका मेन डोर है, लेना है डिग्री ना कि घर में सेंटर से लेना है, बाहर से मतलब मेन डोर के बाहर से, नहीं नहीं घर में घर के सेंटर से, घर के सेंटर से बाहर की ओर, मतलब अंदर से बाहर, आप बाहर नहीं जा रहे हो, देखो हाँ फाइन, अभी देखो जैसे ये थे रहा है अभी सेंटर, सपोज रूम का सेंटर ले लिया अभी क्या, अभी यस 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 हाल हाल में सेंटर हूँ सर, यस सेंटर अभी मेरा, हाँ ये मेरा नॉर्थ है, नॉर्थ राइट साइड में मेरा ईस्ट, एक एक मिनट, हाँ सर जब कंपास देते हो ना नॉर्थ देखो ना ईस्ट देखो, डिग्री देख लो पहले, ओके अब कितनी डिग्री आ रही है इसकी, सीधा थे रहो सेंटर में जाके सीधा और वॉल वॉल के सीधा ऐसा, इधर वॉल है इस साइड मुख कर गए बिल्कुल वॉल के पैरेलल बोलते, हाँ जी मेन डोर किस साइड है, मेन डोर किस साइड है, मेन डोर किस साइड है, इस साइड है सर, यस सर यस फाइन गुड, इस साइड है 96 डिग्री आ रहा है, 96 डिग्री आ रहा बस उतना ही, उससे आपने वो देखना नहीं, चलिए सो कैन यू हेल्प अस प्लीज, मुझे भी पूछना था, पहले आप पूछ लीजिए, हाँ मैं अपने मेन डोर के सामने खड़ी हूँ, एग्जैक्टली ऑपोजिट माय मेन डोर, मेन डोर के एक मिनट, मेन डोर वॉल के रेफरेंस के, मेन डोर को रेफरेंस नहीं है, मेन डोर सपोज ये मेरा मेन डोर है ना, मैं कंपास ऐसे नहीं रखूंगा, दीवार के पैरेलल रखूंगा, दीवार ऐसे नहीं करूंगा, ये गलत है, ये सीधा रखूंगा सर, मेन डोर के दोनों साइड पे दीवार है, क्या करूं, मेन डोर के दोनों साइड पे दीवार है, मेन डोर किधर है, उस साइड दीवार, दो तीन साइड तो रहेगी, एक इस साइड रहेगी, मेन डोर जो है उसकी दीवार को लेना है, सपोज मैं यहाँ पर ये देखिए, आप सेंटर में गए हो, हाँ जी यहाँ पर मेन डोर है, सपोज आपका मेन डोर है यहाँ पर, क्या आप यहाँ पर ठहरोगी, यहाँ पर ठहर के आप कंपास को ये सीधा रखोगी, किसके दीवार को सीधा रखोगी, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, हाथ को सीधा ऐसे रखोगे, ऐसे
सेंटर में थे, जो डिग्री आ रही है उसको लेके आ रहा है। नीचे फ्लोर पर ही रख दो सर? नहीं, हाथ में रखो सीधा। ओके, फ्लोर पे भी चलेगा, हाथ में भी चलेगा। सर गेट के बाहर जाके करना है कि गेट के अंदर से? मैंने बोले नहीं गेट की, घर का अंदर का सेंटर निकालना है। घर मेरा 300 आ रहा है। 300 ठीक है, जो सेंटर में लिया, घर के सेंटर में लिया। हाँ, 300 वापस जाके देखिए। घर का सेंटर या हॉल का सेंटर? घर का सेंटर 345 डिग्री आ रहा है। घर का सेंटर? हाँ, 345 डिग्री। घर का सेंटर मतलब पूरा प्लॉट का सेंटर, आपके जो उसका सेंटर निकालोगे, रूम का सेंटर। 186 डिग्री साउथ आ रहा है। तो आपको साउथ नॉर्थ सब छोड़ दीजिए, वो सब नहीं करना है। 343 डिग्री। हाँ, जाकर दो बार चेक करके आइए। 82। हाँ, जो भी आ रहा है दो बार चेक कीजिए। ऑलरेडी 4 बार चेक किया। कौन ये है ना? मेरा 56 आ रहा है, नीचे रखती हूँ तो ऊपर उठाते हैं तो अलग आता है। हाँ, तो अभी तो सीखो ना, फिर डिग्री देखना आ जाओ। सर पूरा प्लॉट का या कोई रूम का? नहीं, पूरा प्लॉट का ही लेते हैं। रूम का कभी बताया क्या मैंने? रूम का वास्तु कर रहे हैं, घर का वास्तु कर रहे हैं? रूम का वास्तु कर रहे हैं तो रूम तक ही लोगे, घर का पूरा कर रहे हो तो घर का लोगे। 94 आएगा ना सर? रूम 299 और 300 सर। तो 179 आ रहा है। 179 60 लिख लीजिए, जो आ रहा है वो लिख लीजिए। दो बार चेक करके आइए। सेंटर में जाना है, देखो सेंटर में जाना है, ये गलती मत करना। तेर के जहाँ डोर है वहां नहीं, डोर की जो वाल है उसको मुखी देना है, उसके तरफ अपना मुंह होना है। वाल के साइड, ओ डोर के साइड नहीं, वाल के साइड। तो पर मेरे में जो सेंटर पे मैं खड़ी रहूंगी ना ब्रह्मस्थान पे, एग्जैक्टली मेरे ब्रह्मस्थान के ऑपोजिट ही मेरा मेन डोर है। हाँ, तो वही आ जाएगा। सो इट इज ओके ना? तो मैं ब्रह्मस्थान पे लेके आई विल फेस द डोर एंड टेक। मैं क्या बोल रहा हूँ, डोर से मतलब ही नहीं, अपने वाल चाहिए। हाँ, so door, wall. तो डोर इग्नोर करो, डोर जस्ट रेफरेंस आपको समझने के लिए। वाल को लेंगे, वाल वाल नहीं आ रही है, डोर आ रहा है सेंटर में। हाँ जी, तो वाल ही तो हुई ना, उसी पैरेलल हुआ ना उसके। या एग्जैक्टली, सो इट इज ओके राइट? सो यस, इट इज ओके। ओके ओके सर। या अब सपोज कल डोर नहीं आया कहीं, तो क्या करोगे? अब डोर के लिए सर्च करोगे? नहीं ना, हम लोग दीवार को ले रहे, दीवार को ले रहे रेफरेंस पॉइंट। Yes, got it, sir. Got it, yeah. हाँ. एक, दो हाँ, चार इंच भी आगे पीछे होने पे डिग्री चेंज हो रही है। होती है। कंपास से इसलिए लेनी है, कंपास से। कंपास नहीं है ना अभी, तो इसका अल्टरनेटिव ये है। ऑफिस में बैठा हूँ तो उसमें जो ऑफिस का डिग्री है वो ऑफिस के सेंटर से मापो, या ऑफिस जो पूरे प्लॉट में है उस प्लॉट का सेंटर में जाके मापो। हम वास्तु जो कर रहे हैं वो रूम का वास्तु कर रहे हैं, ऑफिस में पूरा ऑफिस का वास्तु कर रहे हैं, घर का वास्तु कर रहे हैं, पर्टिकुलर रूम का वास्तु कर रहे हैं। हाँ, नहीं समझ में? यदि सपोज सपोज एक रूम का वास्तु करना है तो रूम का सेंटर लोगे, एक हॉल का करना है तो हॉल का सेंटर लोगे, पूरा प्लॉट का करोगे तो प्लॉट का सेंटर करोगे। क्या एक रूम का वास्तु करते हैं? कभी भी करते हैं क्या? जिसका वास्तु कर रहे हैं, जिसका वास्तु कर रहे हैं उसका पूरा क्या जाएगा? पूरा बिल्डअप एरिया आ जाए, जितना पूरा बिल्डअप है पूरा प्लॉट का ही सेंटर आएगा, ना कि इंडिविजुअल का। क्लियर है सुशांता? क्लियर है? हाँ सर, मतलब लेकिन सर मैं तो पूरा प्लॉट का सेंटर में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि उस प्लॉट में कई कई और भी शॉप है और भी कुछ है, तो मैं तो
और साफ है उसमें। हाँ तो, एक मिनट एक मिनट, आपका एरिया आपकी टेरिटरी कितनी है, उतना ही रहेगा ना शाफ्ट जितना उतना ही रहेगा ना, आपका एरिया कितना है उसी में लोगे। अब भाई सपोज अब वहीदा जी का निकालना है डिग्री, क्या बाजू वाले के फ्लैट को भी इंक्लूड करोगे? नहीं ना, वास्तु करते टाइम करोगे क्या? आपका प्लॉट का डिग्री कितनी है वो निकालोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाजू वाले आप क्यों कंसीडर करोगे शॉप है तो? दो मैप बनेंगे आज सर, मेरी 320 डिग्री निकली है। ओके, जो निकली है ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं रहेगी चेंज जब आप मोबाइल में 77 आ रहा है, इसमें 37 आ रहा है। हाँ ये जो आपका जो कंपास है वो बच्चों का खेलने के लिए अच्छा है। अच्छा, वो कंपास जो है वो सब यूज नहीं करते हैं, जो मिलिट्री कंपास है वही यूज करते हैं जी, तो इसीलिए वो कंपास स्टैंडर्ड नहीं है। मिलिट्री कंपास ये भी स्टैंडर्ड नहीं, हर जगह पर 2-3 डिग्री का वेरिएशन आता है, एग्जैक्ट नहीं आएगी। क्योंकि सवेरे डिग्री एक लोगे तो सपोज एग्जांपल सवेरे 130 लिया, हो सकता है 132 आए शाम या 27 आए, कल होता है क्योंकि अर्थ की जो एनर्जीज है वो चेंज होते रहती हैं, इसके कारण थोड़ा डिग्री में वेरिएशन आता है। ओके हाँ जी, हाँ दैट इज ओके सर। हाँ जी सर, डाउट है, लास्ट टाइम मैंने किया ना 87 डिग्रीज आ रहा है, ये टाइम तो वही स्पॉट पे 77 आ गया, वेरिएशन आएगा ना सर 10 डिग्रीज का, इतना आएगा? हाँ हो सकता लास्ट टाइम ही ठीक नहीं किया हो, इसीलिए मिलिट्री कंपास यूज करते हैं, इतना वेरिएशन आने का कारण बहुत सारी चीजें हैं, आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो भी रहता रहेगा आजू बाजू, बताऊंगा अभी। पर डिग्री करना कैसे आ गया, क्या समझ में आ गया? आ गया सर। किसको डाउट है डिग्री निकालने? नहीं एकदम से समझ में आ रहा है वो डिग्री निकालना, नहीं आ रहा है? नहीं। अरे आप घर का सेंटर निकाल लिया, घर का सेंटर, घर का सेंटर, रूम का सेंटर नहीं, घर का सेंटर मतलब जो अपना घर का टोटल एरिया है उसका। हाँ यस, घर का सेंटर को हाँ निकाल दिया। हाँ चक्कर क्या, कहाँ पर है वो? बेडरूम में हूँ। बेडरूम में कैसे जाओगे तो मैं कैसे करूँ, जाना तो पड़ेगा ना, हटना तो पड़ेगा वहां से। अजी ये पूछो, इसमें ऊपर रखते हैं तो अलग आता है, नीचे रखते हैं तो अलग आता है, 111 आ रहा है। सबसे पहले ये देखो कि डिग्री कैसे लेते हो, ऊपर रख रहे हो नीचे रख, सबको सेकेंडरी है कारण है उससे। पहले कंपास की डिग्री लेनी है क्या? पहले सबसे पहले ये देखो कि मेन डोर वाल कहाँ है, मतलब आप लोगों ने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है, कितने लोगों ने देखा जेन्युइनली, सच्ची बोलो। मैंने देखा सब। हाँ। मैंने देखा, बाकी लोग क्यों नहीं देखा? सर हमने भी देखा है। कितने लोग देखे, कितने लोग देखे? यूट्यूब वाला देखा है सर। हाँ वो यूट्यूब कल तो नहीं देखा इसीलिए प्रॉब्लम। चलो आप सेंटर में गए हो और सेंटर से मेन डोर साइड, मेन डोर से कहाँ पर है आपका मेन डोर? ये साइड में है सर। अरे ये साइड वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ये साइड हो से? कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, यहाँ ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। मेन डोर राइट साइड, मुझे क्या मालूम पड़ेगा राइट साइड है? आप पहले सेंटर में जाओगे अपने घर के, अंदाजा चल जाओगे सेंटर यहाँ पर है। ओके सेकंड पॉइंट में सेंटर में जाकर वहां ठहरोगे और वहां से देखो मेन डोर किस साइड, लेफ्ट साइड। अरे ये मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड? पहले जाओगी जहां पर ठहरोगी, जहां पर मेन डोर है उस साइड कंपास ऐसे रखेंगे,
वॉल के प्रति, वॉल के रेफरेंस पॉइंट, दीवार आपके सामने है समझो, अब फेरे लेते हम क्या करते हो, माला डालने जब क्या करते हैं, सामने रहता लड़का, वैसे ही समझो दीवार सामने है वही पोजीशन वाली, ओके, वहां पर जाकर उस उसके डायरेक्शन में कंपास को वो रखोगे तो जो डिग्री आई वो निकाल के वापस जाकर जो लिंक भेजा है दो देखना है, और तीसरा जो लिंक है कल की क्लास का होमवर्क है वो। हाँ जी तो डिग्री में वेरिएशन आ रहा है लास्ट टाइम और अभी में। अरे एक मिनट पहले छोड़िए ना, पहले डिग्री लेना आ गया। हाँ जी सर। हाँ डिग्री में वेरिएशन जरूर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो कंपास 182 क्या बोले, हाँ 182 नहीं नहीं जिसको अभी आ रहा है उसको देखिए भाई, हाँ जी पहले ये समझिए कि आप सेंटर में गई, पहले सेंटर गया नहीं गया आपने, सबको वापस समझा रहा हूँ, सेंटर में जाओगे ना ये थोड़ा सेकंड हडल से ये जो जो है ना ये सेकंड हडल है, और एक हडल आएगा, तीन हडल बता ना, सेकंड हडल से समझने में थोड़ी सी तकलीफ बहुत होती है, ओके। सबसे पहले जाके सेंटर में जाना है, जाकर आपके मेन डोर कहाँ पर है, सपोज दो मेन डोर रहे तो कौन सा कंसीडर करोगे, कोई भी एक कंसीडर करो, उसकी उस साइड की डिग्री निकालो, बस सिंपल है, कितनी आ रही है उसमें नोट कर लो। हाँ लास्ट टाइम ऐसी आई अभी ऐसी आ रही, ये लर्निंग के लिए ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं है, बट इसमें क्या है आपको जो जो एक एसेंस होना चाहिए वो हो सकता है, तो आपको चाहिए तो आप अमेजोन से मिलिट्री कंपास मंगा सकते, That is good, जो अभी ओके चलिए। हाँ जी पहले सेंटर में जाओ, डिग्री लो, जो जो नहीं किया है डिग्री इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे डिग्री इम्पोर्टेंट है। अब मैंने अपने घर का तो निकाल लिया। हाँ, और टेंट, एक मिनट अभी टेंटेटिव निकल गया समझो, डिग्री समझ में आ गई ना, बाद में आप लोग मिलिट्री कंपास मंगा कर एग्जैक्ट डिग्री निकाल सकते, वो कैसे निकालनी है मैंने यूट्यूब के वीडियो में डाल दिया है। नहीं मुझे उसी पे एक्चुअली क्वेश्चन करना था। एक मिनट जो जो किया नहीं उनको समझ में आ गया क्या करना, अभी दो तीन को नहीं आया था, किसको नहीं आया अभी तक, डिग्री निकाल लिया है, चलो आशा करता हूँ निकाल लिया, हाँ वो आ जाए किसी रात से आए, जरूरी नहीं है कि मेन डोर निकालने के लिए, स्टार्टिंग में हम इसलिए बोलते हैं ताकि लोग भूल ना जाए, यू चेंज द डायरेक्शन ना, अभी बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर थे डिग्री निकाल लिए हैं, सपोज यहाँ पर कितनी आ गई डिग्री, यहाँ पर आ गई सपोज ईस्ट की कितनी डिग्री है, 90 105 कहाँ पर आएगा, ईस्ट में आएगा नहीं आएगा, शक्ति चक्र निकालिए, शक्ति चक्र जो निकाला है अब उसका काम आएगा, सामने रखिए उसको, मैं 16 जोन कैसे ड्रॉ करने हैं मैंने वो भी वीडियो भेज दिया था। हाँ अब ये क्लियर हो गया, अभी चलिए सबसे पहले शक्ति चक्र समझते हैं। देखो ये क्या है, ये ब्रह्मस्थान सेंटर ही है, सेंटर दिख रहा है महा, आपने शक्ति चक्र में सेंटर यही दिया मैं आपको, जी ओके। और ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये जोन्स है, ये कौन से जोन्स है, ये देखो यहाँ पर ये जो है ये इनसाइड जो है वो देवता से, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट क्या है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्या है ये क्या है ये लोम में क्या है सब क्या है, यहाँ पर जोन्स है, साउथ वेस्ट जोन्स है, क्या है ये जोन्स है,
ओके फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। यहां पर ये क्या है, ये डिग्री है, ये जीरो डिग्री यहां पर है, ये जीरो डिग्री यहां पर, ओके यहां पर पूरे मिला के 360 डिग्री। और जो हमने एट्रीब्यूट पढ़े ना उसकी जोन के एट्रीब्यूट साइड में है लिखे हुए, ये क्या है, ये पूरे 16 जोन के एट्रीब्यूट यहां पर है। और ये अभी छोड़ देना है, ये ब्लैडर किडनी वगैरह अभी नहीं लेना है आपको, ये एडवांस कोर्स का पार्ट है, ये देवता भी लेना नहीं है, सिर्फ हमको अभी ये जोन लेने हैं। और जो नीचे देख रहे हो एंट्रेंसेस N1 N2 N3 दिख रहे हो, N1 से N8 तक रहेगा, E1 से E8 तक रहेगा, S1 से S8, W1 से W8 जी सर। ओके तो इस तरह वो अभी आएगा, वो एंट्रेंस पार्ट भी आएगा। ओके अब देखो, अब शक्ति चक्रा में अब एक किसी की डिग्री बता दो मेरे को, सपोज 350 डिग्री 170 कहाँ पर आएगा, कौन से जोन में आएगा, देखो 179 कहाँ पर आ रहा है, 179 साउथ में आ रहा है, साउथ जोन में आ रहा है। तो मतलब आपका क्या है, फेसिंग कौन सा है आपका, साउथ फेसिंग है इसलिए साउथ में आया। ओके अब कितनी डिग्री आई आपकी, 179 एग्जैक्टली नहीं आएगी, थोड़ा वेरिएशन होगा। ओके उसमें इसके लिए हम गूगल अर्थ को भी लेते हैं कंसीडरेशन, डिग्री निकली नहीं निकली वो गूगल अर्थ को भी देखते हैं, चक्रमय वास्तु को देखते हैं, मिलिट्री कंपास को भी देखते हैं। मिलिट्री कंपास में भी दो 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 कंपास रखता हूं हमेशा, एक कंपास से एक डिग्री आती है, एक कंपास से एक डिग्री आती है, ये 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, कंपास अराउंड 95% ही एक्यूरेसी होती है, 5% त्रुटियां होती है इनमें। ओके ये साउथ साउथ ये समझ में आ गया अभी, सपोज ओके फाइन। अब ये देखो, ये जो है कंपास मैं निकाल लेता हूं, ओके और निकाल कर यहां पेस्ट करता हूं, आप सपोज आपका घर कितना है अभी, सपोज किसी का 30 है तो क्या फेसिंग हो गया अमित, 30% 30 डिग्री पे है, मतलब नॉर्थ फेसिंग हो गया मकान, नॉर्थ फेसिंग हो गया। अब जो अब इसको 16 जोन डिग्री के हिसाब से कैसे डाले, मतलब आपका घर जो है एक्चुअल नॉर्थ कितना है, 0 डिग्री होता है ना, एक्चुअल नॉर्थ कितना होता है, 0 डिग्री और आपका नॉर्थ कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो कितना हट गया वहां से आपका मकान, 30 डिग्री हट गया है, इसे कहते हैं टिल्ट। ओके अब ये देखो यहां पर और एक चीज देखो, अब उसको कैसे यूज करना है अपने पास, 16 जोन डिग्री के हिसाब से डालना पड़ता है, कल जो बताया था खाली 16 जोन जो है समझने के लिए समझाया था, एट्रीब्यूट समझाने के लिए। ओके एक रेक्टेंगल डाल लीजिए पेज पे, उतना बड़ा ही मत डालना, छोटा ही मत डालना, ताकि थोड़ी मतलब पेज के पूरा मतलब 2/3 मिला लेना पेज का। ओके डाल दिया, अब एक इसका सेंटर कहां पर आएगा देख लो अंदाजा। ओके ये सेंटर में डाल दीजिए, एक डॉट करके डाल दीजिए, और इस दोनों लाइन को क्या करोगे, रब कर दोगे, दोनों लाइन को रब कर दोगे बाद में। सेंटर निकाल लिया, यहां पर थोड़ी गौर करने वाली चीज है, आपका सपोज मेन डोर किस साइड है, इस साइड मेन डोर है आपका, तो डिग्री कहां से लियो, यहां तर के ये दीवार को लियो है ना आप लोगों ने, ये दीवार को लिया ना, यहां पर मेन डोर है तो इस दीवार को यहां सेंटर में थर कर इस दीवार की साइड डिग्री लिए हो ना, जिस साइड डिग्री लिए हो उस साइड पे इसको नापो, कितनी है आपकी स्किल से नापो, आपने जो भी ड्राइंग किया है कितना इसकी लेंथ नापो, उसका सेंटर दोनों लाइन का सेंटर निकालो। आप समझो
आपका मेन डोर किस साइड है? मेन डोर क्या है, इस साइड है ना? किस साइड है मेन डोर? यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर समझो। तो हमने डिग्री किस साइड लेंगे? हम यहाँ ठहर कर इस दीवार को लेंगे ना हम लोग? मेरे को ये बोलो, हाँ ना बोलो। अब डिग्री किस साइड लोगे? ये डोर तो यहाँ ठहर के ये बिल्कुल इसे परपेंडिकुलर लाइन में यहाँ पर लोगे ना डिग्री? हाँ। तो अब सपोज यहाँ पर रोड डोर रहा तो क्या करोगे? इस साइड लोगे ना? सपोज इस साइड लोगे सेंटर, यहाँ पर डोर रहा तो इस साइड ठहर के इस साइड लोगे। दो डोर रहे तो क्या करोगे? एनी वन ऑफ चॉइस, ओके, उस साइड पे ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ये यहाँ पर नहीं आता इसलिए मैं डॉट निकाल कर करूं। डॉटेड लंबी करना है, एक लंबी बाहर तक आए, पेपर तक बाहर तक कॉर्नर तक आए, वैसा एक डॉटेड लाइन। अभी समझ में आ गया? सेंटर नापो कितना है, 10-15 फीट है, 15 सेंटीमीटर, तो 7.5-7.5 करो। ये सब चीजें ऑटो कैड इंजीनियर करके देता है। आगे आया सर? हाँ कर लिया। ड्रॉ कर लिया है। अब वापस चलते हैं शक्ति चक्र। अब सपोज मैंने कितनी डिग्री बोली थी अभी, कितनी डिग्री बोली थी मैंने आपको नॉर्थ में? कितनी बोली थी डिग्री? 105 30 डिग्री। आपकी डिग्री नहीं, मैं यहाँ मैंने कितनी दी? 105 सर 30 30। मैंने आपकी डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अपनी डिग्री बोल रहा हूँ। 30 डिग्री लिख दी। अब यहाँ पर डिग्री 30 लिख लीजिए। पहले ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं आपसे, मैं आपकी डिग्री तो नापने के लिए दिया था, आपकी डिग्री घर की कितनी आ रही? ओके 30 डिग्री लिख लिया है, एटलीस्ट आज जाकर दो बार देख के आई डिग्री। ओके ये हो गया 30 डिग्री लिख लिया। अब देखो 30 डिग्री कहां पर आ रहा है, यहां पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। यहां पर जो 30 डिग्री आ रहा है वो परपेंडिकुलर लाइन है ना आपकी, परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ड्रॉ करी है। कौन सी परपेंडिकुलर लाइन? यहां पर उसको थोड़ा घुमाइए, घुमाकर 30 यहां पर लेके आई। शक्ति चक्रा का जो है 30 डिग्री यहां पर लाना है, क्योंकि घर की आपकी डिग्री कितनी है? 30 है, अभी जो घर एग्जांपल ले रहे हैं वो 30 है, तो यहां पर 30 लेके आओ। जैसे राउंड को, राउंड है ना ये राउंड का जो शक्ति चक्र का जो 30 है, इसको चुमा चुमा करोगे, मतलब कोइंसाइड करोगे दोनों को, किस होगा इसका और इसका एग्जैक्टली ओके। अब दूसरा पॉइंट ये करना है, उसका ब्रह्मस्थान और जो शक्ति चक्र का ब्रह्मस्थान दोनों है वो भी चुम्मा चुम्मा होना है, दोनों किस होने जरूरी है। ओके कीजिए, कर मुझे फोटो भेजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, लगेगा लग जाए। अमित यस सर कहाँ सुनते हो पार्टनर? तो इसको एक एक करके करके ग्रुप पे डालिए, करके डालिए, और रिद्धिमा भी करके डालो ग्रुप में, बाकी लोगों को सपोर्ट मिलेगा। सुनो दिमाग से एक पॉइंट याद रखो, यहाँ पर बहुत लोचा है इसलिए ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूँ। आपने सेंटर निकाल लिया घर का सेंटर निकालने के बाद वहां से जिस डायरेक्शन में आपने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है पहले, दूसरा मैं चुमा चुमा वर्ड यूज करता हूं, इसको बुरा लग सकता है आपको, चुमा चुमा मतलब किस है यहाँ पर किसका, क्योंकि इसका जो ब्रह्मस्थान है, किसका ब्रह्मस्थान?
शक्ति चक्र का ब्रह्मस्थान और पेपर का ब्रह्मस्थान दोनों किस करेंगे, मतलब कोइंसाइड होंगे, और इसकी जो डिग्री आई है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री यहाँ पर लाओगे, पेपर को पीछे आगे पलटा कर 30 डिग्री यहाँ पर लाओगे, हो गया अमित। अब देखो ये यहाँ पहले समझो इधर, यहाँ पर आपने ये 30 डिग्री का हो यहाँ पर लाना है, पर 30 डिग्री कहां पर देखो पेपर में, 30 डिग्री कहां पर आ रही है, 30 डिग्री को यहां पर लाई, यहां पर आपने ये डाल दिया, रेक्टेंगल डाल दिया सब लोगों ने, ये ब्रह्मस्थान निकाल दिया और इसको निकाल दिया, इन लाइन को मेट दो ना, पूरी ब्रह्मस्थान की जो लाइन आ रही है उसको मेटो, उसकी लाइन को मेटो। ओके पहले ये समझो, चलो